हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार। आज आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है स्काई एंड हर चिल्ड्रन। जी हाँ, स्काई और उसके बच्चे, आसमान, आकाश और उसके बच्चे। सो डू यू नो द स्काई ऑल्सो हैज़ फैमिली मेम्बर्स? क्या आपको पता है कि आसमान, उसके भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं? होते हैं, तभी तो ये स्टोरी है। सो व्हाट आर देयर नेम्स, द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द स्काई? हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली में बच्चों, ये एक लोक कथा है जो घर परिवारों में सुनाई जाती हैं बच्चों को समझाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए। उसी में से एक कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्काई एंड हर चिल्ड्रन। और मज़े की बात ये है कि ये स्टोरी आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सो वंस अपॉन ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, द सन, द मून एंड द विंड वेंट टू डाइन विद देयर अंकल एंड अंट, थंडर एंड लाइटनिंग, देयर मदर द स्काई वेटेड फॉर देयर रिटर्न। तो क्या कहानी है ये? जैसा कि बहुत सारी कहानियों में होता है, उस कहानी की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं? वो कहानी शुरू होती है वंस अपॉन ए टाइम, कि एक समय की बात है। तो इसमें भी यही कहा है, वंस अपॉन ए टाइम द वर्ल्ड वाज यंग। ये जो हमारी दुनिया है ये यंग थी, मतलब आप समझो कि लड़कपन के स्टेज में थी। द सन एंड द मून एंड द विंड, यहाँ पर कौन कौन से हैं? सन है, मून है और विंड, यस, हवा। वेंट टू डाइन विद देयर अंकल एंड अंट। डाइन करने का मतलब क्या है? DINE, डाइन। डाइन का रिलेशन है डिनर के साथ में, है ना? और डाइन करने का मतलब हो गया खाना खाना, ओके? डाइन करने का मतलब क्या है? खाना खाना। तो एक बार ये तीनों के तीनों अपने अंकल और अंट के साथ, चाचा और चाची के साथ में कहाँ जाते हैं? खाना खाने जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? सन, मून और विंड। और उनके अंकल आंटी कौन है? थंडर। थंडर, ठनका ठनकने, ये जो आवाज़ें आती हैं ना, और उसके बाद जो बिजली गिरती है वो, तो थंडर और लाइटनिंग, है ना? ये दोनों इसके अंकल आंटी थे। एंड देयर मदर द स्काई वेटेड फॉर देयर रिटर्न। और मम्मी का नाम क्या है? स्काई। तो मम्मी है स्काई और उसके बच्चे हैं सन, मून और विंड, और इनके अंकल आंटी हैं थंडर और लाइटनिंग। और ये तीनों के तीनों बच्चे अपने अंकल आंटी के साथ में खाना खाने के लिए गए, और मम्मी स्काई ने इनके लौटने का, इनके रिटर्न करने का इंतज़ार किया। सो बोथ द सन एंड द विंड वेयर ग्रेडी एंड सेल्फिश लिटिल बॉयज। तो ये जो सन और विंड हैं, है ना, विंड आप समझ रहे हो ना, हवा, पवन। तो ये क्या थे? ये दोनों के दोनों जो बच्चे थे ये ग्रेडी थे, है ना, लालची। लालची, लालची का क्या होता है? जो जिसको खाने की चीज़ चाहिए और ज़्यादा, और ज़्यादा, कोई भी चीज़ चाहिए और ज़्यादा। और सेल्फिश किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपने लिए सोचे, स्वार्थी, यस, सिर्फ अपने फायदे की बात सोचे। कुछ भी करेगा तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगा, ही विल बी नोन एज सेल्फिश। सो दे एट ऑल द रिच फूड। इन लोगों ने क्या किया? जो भी अच्छा खाना था, बढ़िया खाना था, टेस्टी खाना था, वो सारा का सारा खा लिया। दैट वॉज गिवन टू देम बाई देयर अंकल एंड अंट। दे डिड नॉट थिंक ऑफ देयर पुअर हंग्री मदर हु वॉज सिटिंग एट होम प्रेइंग दैट दे बी हैप्पी एंड एंजॉय देमसेल्व्स एट द पार्टी। इन्होंने सारा का सारा बढ़िया से बढ़िया खाना खा लिया, और इन्होंने ज़रा सा भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, है ना। हंगरी, हंगरी का मतलब क्या होता है? भूखा होना। और मम्मी क्या कर रही थी? वो घर पर इंतज़ार कर रही थी और वो प्रे कर रही थी कि ये सब के सब हंसी खुशी से पार्टी को इंजॉय करें। द जेंटल लिटिल मून एलोन डिड नॉट फॉरगेट हिज मदर। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था मून, उसने भी अपने माँ को नहीं भूला, वो अपनी माँ को याद रखा, है ना। आउट ऑफ एवरी डेंटी डिश दैट वॉज पुट बिफोर हिम ही केप्ट ए लिटिल टू टेक फॉर हर मदर। तो जो भी खाना उसके लिए रखा जाता था उसके सामने में,
उसमें से वो थोड़ा सा अपनी माँ के लिए बचा करके रखता था। तो अब हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ है, क्यों इस स्टोरी में सन को और विंड को लालची कहा गया, सेल्फिश कहा गया, और क्यों यहाँ पर अब इस छोटे से बच्चे को मून के बारे में एक अलग बात कही जा रही है कि सन और विंड ने, उसने तो अपनी मम्मी के खाने के बारे में नहीं सोचा, मम्मी भूखी है इस बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन चांद सोच रहा है, हालांकि वो यंगर ब्रदर है, छोटा बच्चा है। तो देखते हैं कि वो क्या सोचता है और क्या करता है। जस्ट अ मिनट, सो द जेंटल लिटिल मून एलोन डिड नॉट फॉरगेट हिज मदर। आउट ऑफ एवरी डेंटिटीज दैट वाज पुट बिफोर हिम ही केप्ट अ लिटिल टू टेक अवे फॉर हिज मदर। जो भी खाना उसको दिया जाता था उसमें से वो थोड़ा सा अपनी माँ के लिए ले जाने के लिए रख लेता था। सो वेल चिल्ड्रन, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, आस्क्ड द मदर व्हेन दे रिटर्न होम एट नाइट। तो रात में जब ये तीनों बच्चे अपने घर लौटते हैं, किसके पास, अपनी मम्मी स्काई के पास में, तो माँ ने पूछा कि बच्चों व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। ब्रॉट, ये ब्रिंग का V2 है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, है ना, इसी का पास्ट टेंस का वर्जन है ब्रिंग। सो व्हाट डू यू मीन, रूडली आस्क्ड द सन। तो सन ने बड़ी असभ्यता के साथ में कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। और ये सन जो है वो सबसे बड़ा बच्चा भी था, वाज हर एल्डेस्ट चाइल्ड आल्सो। सो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट मी टू ब्रिंग फॉर, आपने मुझसे क्या उम्मीद की थी लाने के लिए। आई वेंट टू डिनर टू ईट एंड एंजॉय माई सेल्फ, नॉट टू ब्रिंग फूड फॉर यू। मैं तो डिनर के लिए गया था, खुद खाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, मैं इस चीज़ के लिए थोड़े ना गया था कि मैं वहाँ से आपके लिए खाना लाऊंगा। तो ये बात सन ने बड़ी रूडली कहा, RUDELY, रूडली का मतलब होता है असभ्यता से, उदंडता से, है ना, असभ्य। अब भला किसी बच्चे को अपनी माँ से ऐसे थोड़े ना बात करनी चाहिए, उसे तो पोलाइटली बात करना चाहिए था ना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, है ना, जैसे मैं सारे स्टूडेंट से क्या उम्मीद करता हूँ कि दे विल गेट गुड रिजल्ट्स, वो एग्जाम्स अच्छे से देंगे और अच्छा रिजल्ट देकर के आएंगे, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ओके, अब आगे देखते हैं कि जब माँ ने पूछा तो सूरज ने, जो कि बड़ा बच्चा था, उसने इतना रूडली जवाब दिया कि मैं तो वहाँ पर खाना खाने के लिए गया था, इन्जॉय करने के लिए गया था, मैं वहाँ पर आपके लिए कोई खाने की चीज़ लाने के लिए थोड़े ना गया था। तो कितना बुरा लगा होगा बेचारी मम्मा को, स्काई को बुरा लगा होगा ना। आप सब बच्चे ऐसा करते हो क्या? अगर करते हो तो नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट योर मॉम एंड डैड, है ना, और आपको अपने छोटे भाई बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए। टू बी श्योर, इकोड द लिटिल ब्रैड द विंड, एंड हाउ कुड यू एक्सपेक्ट अस टू स्पॉयल आवर सिल्क क्लॉथ बाय स्टफिंग आवर पॉकेट्स विथ फूड फॉर यू। अब इसी बात के साथ साथ में ये जो विंड है, विंड देख रहे हो ना आप, ये भी बोलता है कि और आपको बता दूं कि आपने ऐसा कैसे सोचा, कैसे उम्मीद की कि हम लोग अपने सिल्क के कपड़ों में, रेशम के कपड़ों में उसमें जो पॉकेट्स बने हुए हैं उसमें आपके लिए खाना भर भर के लाएंगे, तो उससे मेरा रेशम का कपड़ा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कहा विंड ने भी, एक तो सन ने ऐसे कहा, उसके बाद विंड ने भी ऐसी ही बात की अपनी मॉम के साथ में। अब देखो क्या होता है। ये बात सुनकर के मम्मी मेरा मतलब है स्काई का हृदय तो टूट ही गया होगा, कितना बुरा लगा होगा जरा सोच करके देखो तो। सो मदर वाज शॉक्ड बाय दिस बिहेवियर ऑफ हर सन्स, और मम्मी ये बात सुनकर के उसे ना बहुत जोर का शॉक लगा। बिहेवियर आप समझते हो ना, व्यवहार, है ना, ये अच्छा व्यवहार थोड़े ना कहलाएगा जब बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसे बात करें तो। आई डोंट अप्रिशिएट इट, है ना, नहीं अच्छा लगता।
व्यवहार, थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ मैं व्यवहार, नहीं तो आप सोचोगे कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है। मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी है लेकिन माउस से लिखना ये आसान काम नहीं होता। ओके अच्छा, शॉक, शॉक मतलब झटका लगना, बहुत बुरा लगना। सो डोंट बी सो रूड, इंटरप्टेड द जेंटल मूड। इंटरप्ट करने का मतलब क्या है, बीच में किसी चीज़ के बीच में जवाब देना। और जेंटल, जेंटल मैन समझते हो ना आप, जेंटल मैन, हाँ, भद्र आदमी, विनम्र आदमी। तो ये जो मून था, छोटा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, उसने कहा कि माँ के साथ इतने बुरे तरीके से बात मत करो। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन योर मैनर्स, हाउ कैन यू टॉक टू आवर मदर लाइक दैट। देन उसने कहा कि लगता है कि तुम दोनों के दोनों मैनर भूल गए हो कि माँ के साथ कैसे बात करनी चाहिए। मैनर समझते हो ना, मैनर, तहजीब, उसमें यही तो सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों छोटों लोगों के साथ में, सबके साथ में, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। उसके बाद उसने अपनी माँ को कंसोल करते हुए, सांत्वना देते हुए कहा कि मदर, टेक दिस डिनर आई हैव ब्रॉट फॉर यू, इट इज़ अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग वी वेयर गिवन। और उसके बाद उसने अपनी माँ को खाना देते हुए कहा कि माँ ये खाना ले लो, इसमें सारी चीज़ें हैं जो कुछ भी हम लोगों को वहाँ पर खाने के लिए दी गई थी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है इसमें। सो विथ आईज फुल ऑफ टीयर्स, अब माँ की आँखों में इमोशन होकर के, इमोशनल हो गई होंगी मम्मी, उनकी आँखों में आंसू आ गए। मदर थैंक्ड हर यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट सबसे छोटा है ना, द लिटिल मून फॉर हिज केयर एंड पोलाइटली सेड, यू ऑल आर माई चिल्ड्रन, आई लव ऑल ऑफ यू इक्वली, बट आई हैव वन थिंग टू से, डू नॉट बी सो ग्रीडी एंड सेल्फिश बिकॉज इट विल हार्म यू माई डियर चिल्ड्रन, आई कैनॉट अफोर्ड दैट, सो ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज एंड मैनर सो दैट एवरी वन प्रेजेज यू। ये सारी बातें समझाई माँ ने, क्या कहा माँ ने, माँ ने बड़े प्यार से कहा कि यू ऑल आर माई चिल्ड्रन, तुम सब के सब मेरे बच्चे हो, आई लव यू ऑल इक्वली, मैं तुम सबको बराबर, एक बराबर प्यार करती हूँ। लेकिन कहा उन्होंने कि डोंट बी सो ग्रीडी एंड सेल्फिश, है ना, कि तुम्हें इतना ज़्यादा लालची और स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तुम्हें हार्म करेगी, नुकसान पहुँचाएगी, हार्म करने का मतलब है। आई कैनॉट अफोर्ड दैट, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई चीज़ तुम्हें नुकसान पहुँचाए। सो यू शुड ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज एंड मैनर्स सो दैट एवरी वन प्रेजेज यू। प्रेजेज यू का मतलब है, प्रेज करने का मतलब है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, प्रशंसा करें, है ना, अच्छा काम करोगे तभी तो कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा ना, प्रशंसा, ये चीज़। सो बोथ द सन एंड द विंड एक्सेप्टेड देयर फॉल्स एंड सेड सॉरी मदर दिस विल नॉट हैपन अगेन। तो एक और वर्ड है यहाँ पे फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब है गलती। तो उन दोनों बच्चों ने, सन और विंड ने क्या कहा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हम लोगों ने ये गलती की है। एक्सेप्ट करने का मतलब स्वीकार करना। और इन्होंने क्या कहा कि सॉरी मदर दिस विल नॉट हैपन अगेन, कि सॉरी मम्मा ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा, ऐसा कहा। अब मुझे लगता है इसके साथ ही ये स्टोरी खत्म हो गई होगी, हाँ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म ही हो गई है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आप इन तीनों को देख सकते हो, ये है सन, ये है मून और ये है विंड, जो ऐसे हवा ब्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा गुस्सैल सा भी लगता है ये देखने में। और चांद तो बड़ा क्यूट सा लगता है, और सूरज बिल्कुल चमकता हुआ और चमकता हुआ सा लगता है। तो बच्चों कैसा लगा ये चैप्टर और कैसी लगी ये कहानी, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, और वन बाय वन आई विल बी टीचिंग यू ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना, आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज एंड हिंदी ऑल्सो, ठीक है। एक बार मैं ज़रा सा आपको ये बता देता हूँ कि ये जो न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इन्हें आपको हमेशा अपनी डिक्शनरी में, आपकी अपनी पर्सनल नोटबुक में ऐड करते हुए चलना चाहिए। तो बच्चों इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड करूँगा।
ये जो मैंने अपना YouTube चैनल का नाम लिख रखा है न्यू एज कोचिंग, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप सब मेरा ये चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स लिखना भूलना नहीं, कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अगर आपके कमेंट्स रहेंगे, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं और मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स के लेक्चर जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा, ताकि मैं आप सारे स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और जिन बच्चों को भी मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और वो और भी कुछ गाइडेंस चाहते हों, दे कैन कनेक्ट विथ मी यूजिंग माई व्हाट्सएप नंबर 8090940304, ठीक है, ये 4 है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।